दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के पीड़ितों की याद में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संबोधन को प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो के नारे लगाए और जमकर हंगामा मचाया, जिससे नेतन्याहू को अपना भाषण शुरू होने के कुछ ही समय बाद रोकना पड़ा। इस कार्यक्रम का पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। कई इसराइलियों का मानना है कि नेतन्याहू की विफलताओं के बाद ही हमास 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला कर पाया था। साथ ही ये लोग गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए शेष बंधकों को अब तक नहीं छुड़ाने के लिए भी नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। भाषण के लाइव प्रसारण के अनुसार नेतन्याहू रविवार को समारोह के दौरान मंच पर स्थिर खड़े रहे, क्योंकि भीड़ में मौजूद दर्शकों ने चिल्लाते हुए उन्हें एक मिनट से अधिक समय तक बाधित किया। कुछ लोगों ने तुम्हें शर्म करो चिल्लाया और हंगामा मचाया, जिससे नेतन्याहू को अपना भाषण शुरू होने के तुरंत बाद रोकना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में से एक बार बार चिल्ला रहा था कि मेरे पिता को मार दिया गया। इस मरणोत्सव का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को भाषण में शामिल नहीं करना था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इजरायली सरकार की आलोचना करेंगे। लेकिन विरोध के बीच परिवार के सदस्यों को समारोह में भाषण देने की अनुमति दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजरायल के हमलों से ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है और इस हमले से उसके सभी लक्ष्य हासिल हो गए हैं। इस महीने की शुरुआत में इजरायल पर हुए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के जवाब में एक दिन पहले इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को कहा कि इस हफ्ते ईरान पर हुए इजरायल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर और ना ही कम करके बताया जाना चाहिए। बहरहाल खामेनेई ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का आह्वान नहीं किया है। खामेनेई का इस बयान से साफ है कि ईरान इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहा है। उधर ईरान की सेना पहले ही कह चुकी है कि गाजा पट्टी या लेबनान में संघर्ष विराम इसराइल पर किसी भी जवाबी हमले से बेहतर है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके पास जवाब देने का अधिकार है। खामेनेई ने कहा कि इसराइल की तरफ से किए गए हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर और ना ही कम करके पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायली शासन की गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्हें ईरानी राष्ट्र और उसके युवाओं की ताकत और इच्छा शक्ति के बारे में समझाना जरूरी है। खामेनेई ने कहा कि ये तय करना प्राधिकारियों का काम है कि ईरानी लोगों की इच्छा शक्ति और ताकत के बारे में इजरायली शासन को कैसे समझाया जाए और इससे राष्ट्र के हितों की पूर्ति करने वाली कार्रवाई कैसे की जाए।